बोरीवली पश्चिम के चिकुवाड़ी मैदान में विजय प्रस्थान उत्सव में उच्च शिक्षा प्राप्त 8 दीक्षार्थी महाराज साहेब युग भूषण सूरी जी से दीक्षा ग्रहण कर समाज कल्याण हेतु एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। सांसारिक मोहमाया को त्याग कर जैन समाज के यह 8 मुमुक्षु महाराज साहेब युग भूषण सूरी जी के मार्गदर्शन में दीक्षा लेंगे, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा मुंबई हाईकोर्ट के एक सॉलिसिटर के पुत्र का भी समावेश है, जो महाराज साहेब से दीक्षा प्राप्त करेंगे। विशेष बात यह है कि 19 वर्षीय एक युवती ने भी सांसारिक मोहमाया को त्याग कर महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, एक विजय प्रस्थान उत्सव करके आ रहा है, बहुत बड़ा आयोजन आ रहा है। यहाँ पे 8 जैन मुमुक्ष दीक्षा ले रहे हैं। ये दीक्षा महोत्सव के बजाय हम इसे विजय प्रस्थान उत्सव करके नाम दिया है, क्योंकि ये विजय करने जा रहे हैं। आप और हमारा जो विजय हुआ है संसार में, वो आखिर में तो निष्फल होने जा रहा है, मगर इनका जो विजय है वो जरूर से विजयी होने वाले हैं। इसके लिए हमने इसका नाम दिया है विजय प्रस्थान उत्सव। यहाँ पे महोत्सव चालू हो गया है। आज यहाँ पे इनका विदय समारंभ है, जो 7:30 बजे से चालू होने वाला है। हम करीब 3-4-5 हज़ार लोगों की हमें उम्मीद है उनके आने की। कल हमारा सुबह में इनका वर्षीदान का वरघोड़ा निकलेगा, जो पूरे बोरीवली के राजमार्गों पर फिरेगा। कल शाम को एक बहुमान समारंभ है, और 30 तारीख को जो सबसे बड़ा इवेंट है, वहाँ पे ये 8 मुमुक्षों की दीक्षा होगी जी। यहाँ महाराज साहेब का भी जी राज्याभिषेक होने वाला है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। हमारे पूज्य गुरुदेव युग भूषण सूरीश्वर जी महाराजा, जो पंडित महाराज के नाम से बड़े फेमस हैं, 4 तारीख को उनकी एक जैन शासन में जो सबसे बड़ी पदवी होती है, जिसे हम गच्छाधिपति कहते हैं, वो पदवी उनको इनायत होने जा रही है। इससे ऊपर कोई पदवी नहीं है, सो दिस इज़ द हाईएस्ट पदवी है, वो 4 तारीख को होने जा रही है। उस दिन भी मेरी सबसे निम्र विनंती है, ये बड़ी रेयर इवेंट है, बड़ी से बड़ी संख्या में आप हाजिर हो, मेरी ये आपको नम्र विनंती है। क्योंकि ये जो गुरुजी हैं हमारे, उनका जो व्याख्यान है, उनके जो बुक्स हैं, वो इतने लॉजिकल है कि ये जो अगर आदमी बड़े शांति से इसके ऊपर स्टडी करे तो समझ में आ जाता है कि आप जो ये लौकिक की बात करें, इसमें हम जरूर से निष्फल होने वाले हैं। सफलता का मार्ग सिर्फ यही है, और जिसे हम कहेंगे विजय प्रस्थान उत्सव। इतना कहना चाहूँगा, मेरा सद्भाग्य है कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, आचार्य युग भूषण सूरी जी महाराज, पंडित महाराज। आज कनाडा में मेरे को ऑलमोस्ट 49 ईयर्स हो गए, लेकिन मेरे जीवन के जो परिवर्तन में जो आचार्य महाराज ने जो मुझे निचरा में लेके जो मुझे एक मार्गदर्शन दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जब मुझे मालूम पड़ा कि धर्म के राजा को राज्य अभिषेक हो रहा है, यानी इन्हें गच्छाधिपति दिया जा रहा है। जब गच्छाधिपति 4 को मिलेगा तो मुझे अंदर से ऐसी भावना हुई, मेरे धर्म के राजा को गच्छाधिपति मिल रहा है, उससे अच्छी जो खबर थी वो मैंने अभी तक सुनी नहीं। और मैं आप सबसे, आपके मेरे मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि ज़रूर चिकुवाड़ी में आइए। चिकुवाड़ी में 30 तारीख को दीक्षा हो रही है, लेकिन 4 तारीख को, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, धर्म के राजा का राज्य अभिषेक होगा, तो उसमें आप ज़रूर आइए, ज़रूर भाग लीजिए, और ज़रूर आप देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे विजय प्रस्थान उत्सव में, आके जरूर देखिए। ऐतिहासिक क्षण के गवाह हमें बताया जा रहा है, कई राजनीतिक हस्तियां उद्योगपति भी यहाँ शामिल होने आ रहे हैं, उसके बारे में जरूर। ऐसा है कि मैं अभी नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं 4 तारीख को, जब गच्छाधिपति की पदवी मिलेगी। अभी हमारे पास, हम जो मेरे मीडिया के भाई लोग 30 तारीख को आएंगे, तो मैं आपको नाम ज़रूर दे पाऊँगा। 8 दीक्षार्थी अपना मटेरियल लाइफ गिव अप करके स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर होने की तैयारियां कर दी हैं। कल का एक दिन बाकी है, परसों सुबह सबका वो स्पिरिचुअल लाइफ में वो दीक्षा जीवन का स्टार्टिंग होगा, दीक्षा अंगीकार होगी। बड़ी बात तो ये है कि जो दीक्षा लेने जा रहे हैं वो सब काफ़ी लर्नेड हैं, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी अपने अपने स्थान पे काफ़ी कैरियर सर करके बाद उसमें जा रहे हैं। से माय कलीग और राजेश भाई कटेरिया फ्रॉम बेंगलोर, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ रैंकर इवन इन द हिज एग्जामिनेशंस आल्सो, उसका बड़ा 35 ईयर्स का करियर छोड़ के स्पिरिचुअल में एंटर हो रहा है।
उसने 3 साल पहले उसके लड़का यंग से ऑफ अबाउट 25 ईयर्स, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसको भी ये मार्ग पे दीक्षा दे दी और अब वो भी एंटर हो रहा है। से माइन इज एकेडमिक कैरियर इज बीकॉम एलएलबी एफसीएस, मतलब कि फेलो मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज। आई हैव बीन वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड कंपनी सेक्रेटरी विद मफलाल ग्रुप कंपनी, नेमली स्टेनरोज मफलाल इन्वेस्टमेंट्स एंड फिनांस लिमिटेड अहमदाबाद। आई हैव 36 ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, 27 ईयर्स विथ मफलाल ग्रुप एंड से अबाउट इनिशियल 9 ईयर्स विद लालभाई ग्रुप, फ्लैगशिप कंपनी अरविंद मिल्स लिमिटेड। इवन आफ्टर सच अ ब्रिलियंट कैरियर आई विदड्रॉन माई सेल्फ विथ अर्ली रिटायरमेंट 5 ईयर्स बैक, कंसिडरिंग मटेरियल वर्ल्ड में कुछ कस नहीं है, ये सब स्ट्रक्चर ही ऐसा है बॉडी का ले लो कि पूरा मटेरियल वर्ल्ड का ले लो तो उधर परमानेंट हैप्पीनेस जैसा कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट अ पेन रिलीविंग प्रोसेस। इफ अनलेस यू हैव एक्यूमुलेटेड पेन ऑन योर सोल यू वॉन्ट फील इवन दैट इल्यूजरी हैप्पीनेस ऑल्सो। तो रियल हैप्पीनेस कहाँ है, तो स्पिरिचुअल में ही है, जो अपने आत्मा के शुद्ध वर्च्यूज है उसके जो अपने फीलिंग टच कर सकते हैं तो उसमें से जो हैप्पीनेस मिलती है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, इंडिपेंडेंट, प्योर, आई वुड से एंड वी आर गोइंग फॉर दैट ओनली। हमें ये संसार सागर से पार होना है और हमें मोक्ष की अगर प्रयाण करना है, और मेरी दिक्री महाराज साहब ने भी दीक्षा ली है तो मुझे भी लगा कि ये पाथ पे मुझे चलना है और वहाँ मुझे सुख ही सुख प्राप्त होने वाला है, इसलिए मुझे ये पाथ पे जाना है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद हमारी दिनचर्या में ऐसा रहता है कि कोई भी जीव की हिंसा नहीं करते, हम निष्पाप जीवन जीते हैं और इतनी सुंदर लाइफ है कि वो संसार में जब देखा है कि वहाँ सभी जगह पाप ही पाप है तो इधर सब निष्पाप जीवन देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है। वैसे बदलाव इतना तुरंत तो नहीं आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन जो बदलाव आएगा वो मेरे आत्मा के लिए बहुत ही हितकारी होगा। हमारे गुरु महाराज साहब, इनके जैसा मैंने गुरु किधर देखे नहीं, वो मेरे गुरु है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी निस्पृहता, उनका वैविध्यता सब देख के मुझे लगा ऐसे गुरु मुझे मिले हैं तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद करूं और क्यों मैं अपने मोक्ष की ओर जाने के लिए ऐसे गुरु मिले तो भी मैं पग न मांडूं, और वो सोच के ही मैंने ये पाथ पे जाने के लिए सोचा है।